श्री राधे। मित्रों, हनुमान ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आज का विषय है हमारा स्त्री जातक। स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में यदि शुक्र हो तो वह पति का त्याग करने वाली होती है। मंगल की स्थिति सप्तम में हो तो वह विधवा होती है। शनि सप्तम में हो तो शीघ्र वृद्धा होती है। सप्तम भाव पाप ग्रहों से युक्त हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो वह पति से विरोध करने वाली होगी। लग्न से तीसरे यदि चंद्रमा हो तो वह स्त्री जो है स्थिर स्वभाव वाली, अच्छे गुणों वाली होगी। शुभ दृष्ट चंद्रमा यदि जन्मांग में हो तो वह गुणक होगी, रूपवती होगी। लग्न व चंद्रमा यदि विषम राशि में हो तो ऐसी स्त्री कुरूपा हो सकती है। लग्न व चंद्रमा यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो तो वह रोगिणी होगी। दो शुभ ग्रहों के मध्य में यदि शुक्र सप्तम भाव पर स्थित हो तो वह चंद्रमुखी होगी। कर्क का चंद्रमा हो, कन्या का बुध हो, मीन का जो है गुरु हो, वृष का शुक्र हो तो ऐसी कुंडली वाली स्त्री राजकुली होती। सप्तम में सूर्य होने से वह उत्तम कुल में जन्म लेने वाली, किंतु फिर भी जो है अधमा होगी। सप्तम में वृष का चंद्रमा हो तो इंद्री सुंदर होगी, सुंदरी होगी, सब प्रकार के सुखों को भोग करने वाली होगी, सभी प्रकार के सुखों से संपन्न होगी। सप्तम में कर्क का मंगल अथवा जो है शनि मंगल सिंह का हो सप्तम में तो ऐसी स्त्री विधवा हो सकती है। सप्तम में बुध स्थित हो तो वह पति पुत्र आदि का जो है पूर्ण सुख प्राप्त करती है, अर्थात पति से पूर्ण सुखी रहती है। सप्तम में गुरु, गुणज्ञ, धर्मज्ञ और पति से बिका होगी। सप्तम में शुक्र हो तो कला, संगीत, नृत्य आदि को जो है जानने वाली और साहित्यिक होगी। सप्तम में शनि की स्थिति जो है स्त्री को रोगिणी बनाती है, अति व्याकुल बनाती है, किंतु उच्च का शनि यदि सप्तम में हो तो ऐसी स्त्री जो है तो धनवान होगी। यद्यपि सप्तम में राहु जो है कुल दोष लगाने वाली बनाता है, किंतु जो है उच्च का राहु यदि सप्तम में हो तो वह सभी सुखों से जो है तो संपन्न करता है। कर्क लग्न में जन्म हो और चंद्रमा लग्न में स्थित हो अथवा सप्तम में मंगल, बुध, गुरु ये सभी हो या कोई भी इनमें से हो तो ऐसी स्त्री जो है के ऊपर सभी की दृष्टि होती है, सब लोग जो है इसके प्रति मोहित होते हैं। चंद्रमा से सप्तम भाव पर यदि मंगल, शनि, राहु, सूर्य में से कोई भी हो अथवा जो है 7, 1, 6, 8 भाव में कोई ग्रह हो तो ये वैधव्य प्रदान करेंगे। तो यह, और अगर जो है किसी स्त्री के रक्तवर्ण के नाखून हो, पैर के और गोल हो, गोलाई लिए हो तो वह जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधा आदि को जो है प्राप्त करने वाली और संपन्न होगी। आज मैं अपनी वाणी को जो है यही विश्राम करता हूं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राधे 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 राधे।